project. Our journey formally began from Katra and then we visited a number of places, metropolitan cities. So starting from the train journey with the name College on Wheels, so मैं कहना चाहूँगी moreover कि मेरे लिए College of Realization ज़्यादा था. इसने मुझे इन 14 दिनों की जर्नी ने मुझे सिखाया कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती थी. जब मैं जर्नी की पे आई थी सो आई थिंक मेरे लिए एक नॉर्मल जर्नी थी कि मैं आऊँगी, इंजॉय करूँगी, लर्निंग करूँगी और चली जाऊँगी. बट मोरओवर ये मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड थी. मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा. मैंने इस जर्नी में खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखा. मैंने इस जर्नी में खुद के बारे में सोचना छोड़ के औरों को देखकर जीना सीखा. जैसे कि अब मुझे लगता है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम उतना सीख नहीं पाते, जबकि डिसकंफर्ट जोन में आके जो जो चीज़ें मैंने सीखी, मुझे नहीं लगता है कि मैं बुक्स पढ़ के वो चीज़ें सीख पाती. और एक चीज़ मैं बहुत प्राइड से मेंशन करूँगी, जिस जिस जगह में हम गए, स्पेशली स्ट्रैटेजिक प्लेसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली इन पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, देन गोवा में नेवल डॉकयार्ड, बैंगलोर में, मुझे एक ना एक ऑफिशियल ऐसा मिला जो जम्मू कश्मीर का था और उनसे इंटरेक्ट करके आई फील वेरी प्राउड कि हम लोग किस लेवल पर आगे बढ़ चुके हैं. और बात करूँ चैलेंजेस की, तो हाँ बहुत से चैलेंजेस आए. एक चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी, जब हम मुंबई में थे तो थोड़े अकोमोडेशन इशू आए, पर मुझे लगता है कि जब हम फैमिली ट्रिप्स या फिर फ्रेंड्स ट्रिप में भी जाते हैं तो भी हमें 50 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. इतनी प्रॉब्लम मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमारे साथ होता है. पर होता ही है कि उस टाइम हम अपने घर वालों के साथ होते हैं तो वी थॉट वी ओवरकम दैट चैलेंजेस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद जॉय एंड विद लाफ्टर. सो आई थिंक यहाँ भी हमने ऐसा किया उसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैनेजमेंट की सपोर्ट, मेंटर्स की सपोर्ट और अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ हमने उन चैलेंजेस को भी ओवरकम किया. एंड आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट एट लास्ट टू थैंक आवर वीसी सर, एलजी सर, ऑल द नोडल ऑफिसर्स, मेंटर्स एंड माय फ्रेंड्स हु मेक माय जर्नी सक्सेसफुल. एंड आई एम फील प्राउड कि जेएनडी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करके, इस जर्नी को ऑर्गेनाइज करके और उसको अटमोस्ट सक्सेस में भी पहुँचाया. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आई स्टार्टेड दिस जर्नी एज अ गर्ल बट आई कम्प्लीटेड दिस जर्नी एज अ लेडी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस. फर्स्ट ऑफ लाइक ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम हेयर वेलकमिंग अस. सो दिस जर्नी स्टार्टेड ऑन 19th ऑफ नवंबर एंड ऑन दैट डे वी वर वेरी नर्वस बिकॉज वी वर आई वॉज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल गर्ल हु हैज नेवर स्टेप्ड अप. You can say a step alone without my parents. So, but when this journey ended, we are very responsible and now I am a very